दोस्तों आपका स्वागत है जिंदगी लाइव। ये मेरा YouTube चैनल है, कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं अभी नया यूट्यूबर हूँ, लेकिन धीरे धीरे वीडियो क्वालिटी बनाना सीख जाऊँगा। अभी वीडियो एडिटिंग वगैरह मैं उतना नहीं करता हूँ, ना ही मैं उतना जानता हूँ, लेकिन आगे जाकर देखता हूँ कि कैसे एडिटिंग होती है, क्या होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ अल्टो LX मॉडल, अल्टो LX 2006 मॉडल। ये गाड़ी 12 वर्ष पुरानी है और 12 सालों में इस गाड़ी में ऐसी कोई कमी नहीं आई है जो लगे कि इस गाड़ी को नहीं लेना चाहिए या जिन्होंने ली उन्होंने गलत किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है और अच्छा रन करती है, अच्छा चलती है। और मोटरसाइकिल ले लो या अल्टो ले लो, एक ही बात है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है। साल भर में यदि 2-4 हज़ार रुपये एक फोर व्हीलर पर लगाते भी हैं तो ये कोई ज़्यादा रकम नहीं होती है दोस्तों। आजकल तो बाइक्स भी इतनी महंगी आने लगी हैं, उनको भी मेंटेनेंस मिलाना पड़ता है और 5-5, 6-6 हज़ार रुपये एनुअली उन पर भी खर्च होता है मेंटेनेंस पे। तो दोस्तों फोर व्हीलर में 4 लोग बैठते हैं, बाइक पर केवल 2 लोग ही बैठते हैं। तो और इस पर छाया भी रहती है, धूप बरसात गर्मी इनसे भी बचाव होता है। तो मैं तो यही बताऊंगा आपको कि ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है। और यदि कोई सेकंड हैंड गाड़ी अल्टो लेना चाहता है तो बिल्कुल ले। इस गाड़ी से आप ड्राइविंग भी सीख सकते हैं, क्योंकि यह गाड़ी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगती है, ना ही कोई इसका कोई खर्चा है। और विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, चलाने में भी कोई ऐसी समस्या नहीं आती है। तो जो सीखना चाहते हैं, गाड़ी ड्राइविंग करना सीखना चाहते हैं, वो इस गाड़ी से ड्राइविंग सीखें। ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है और अच्छी चलाने में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ड्राइविंग सीखना इस गाड़ी से आसान होता है, ज़्यादातर लोग ड्राइविंग अल्टो से ही सीखते हैं। और जो गाड़ी जो ट्रेनिंग स्कूल ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल चलाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, वो भी अल्टो से ही सिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्टो में ही अच्छी विजिबिलिटी है, छोटी गाड़ी है और नए लोगों को चलाने में दिक्कत नहीं आती है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि ये गाड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी की है और अच्छी गाड़ी है। ये मैं भी 12 साल पुरानी गाड़ी ये चला रहा हूँ और अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में चलती है, कोई दिक्कत नहीं करती है। बस थोड़ा सा गाड़ी का इंजन ऑयल, फिल्टर एयर फिल्टर और कूलेंट वगैरह, बस यही कुछ चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं और कुछ विशेष नहीं रहता है इस गाड़ी की। कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं इस्तेमाल किया गया है अन्य गाड़ियों की तरह। ये है वो है इसका, ये बिल्कुल सिंपल गाड़ी है, आराम से लीजिए, चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैं तो आपसे कहूँगा कि अल्टो है यदि आपके पास या लेना चाहते हैं तो लें। बस थोड़ा उस गाड़ी को देख लें कि यह गाड़ी कंडीशन उसकी कैसी है, ये कार चलने लायक है कि नहीं। और ऐसी मुझे कोई नहीं लगता कि कोई ऐसी इसमें दिक्कत है। यदि आप लोग गाड़ी ड्राइविंग करना सीखना चाहते हैं, गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, तो आप ये कार ले लें। अल्टो एक अच्छी कार है, इसको आप चलाएं। और मैं दोस्तों 10 दिन के अंदर गाड़ी चलाना सीख गया था इस गाड़ी से। और दूसरी गाड़ियों को देखता था तो लगता था कि अब तो बस गाड़ी कभी चलाना सीख ही नहीं पाऊँगा। और दोस्तों मैं अकेले ही गाड़ी चलाना सीख गया हूँ इससे। लेकिन बस इतना ध्यान रखें, गाड़ी चलाएं तब जब भी तो खाली जगह देख लें, कोई बड़ी जगह हो जहाँ पे कोई लोग आते जाते ना हो और पेड़ पौधे भी ज़्यादा ना हो। तो ऐसी जगह पर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको कोई भय नहीं रहेगा अंदर से। लोग डरते हैं कि मेरी गाड़ी कहीं किसी में लग ना जाए, मेरा किसी में एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरी गाड़ी ना मैं कोई इंजरी ना आ जाए मुझ में, मेरी गाड़ी में ना कोई डैमेज हो जाए। तो इनसे बचने के लिए एक अच्छा मैदान देखिए और उस मैदान में एक किनारे आइए और एक बार थोड़ा सा बाहर की तरफ देखिए कि कितना इसमें क्षेत्रफल है, कितना बड़ा एरिया है। और फिर इसको गाड़ी को ड्राइव करिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि गाड़ी कोई बड़ी हवाई जहाज़ उड़ाना है, कुछ नहीं है, गाड़ी बिल्कुल आसान होती है। बस थोड़ा मन में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके मन में यदि कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में कोई भी काम करो, पहले कॉन्फिडेंस पैदा करो। मुझे किसी ने नहीं सिखाया,
थोड़ा बहुत एक दो लोग आए थे मेरे साथ शुरू में 1-2 दिन। इसके बाद क्या है ना, किसी के पास समय नहीं रहता, किसी को कोई बात है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि गाड़ी शुरुआत में 1-2 दिन आप किसी को, किसी मतलब अच्छे ड्राइवर को लेके आएँ, अपने मित्र को, किसी फ्रेंड को, घर कोई फैमिली मेम्बर हो उसको लेके आएँ और मैदान में उसी के साथ आएँ, क्योंकि आप चला के जानते नहीं हैं, घर से गाड़ी निकाल नहीं पाएंगे। तो गाड़ी जो है किसी अच्छे ड्राइवर से मैदान में लेके आएँ और इसके बाद आप उनसे कहें कि हमें थोड़ा ड्राइव करना है, मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, और गाड़ी चलाएं और धीरे धीरे शुरुआत करें गाड़ी धीरे धीरे। 1 दिन में कोई नहीं सीखता है भाइयों दोस्तों, 1 दिन में कोई नहीं सीखता है, कोई भी काम 1 दिन में कोई नहीं सीख पाया आज तक। इसलिए टेंशन ना लें कि मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा, सब हो जाएगा। आप बस कॉन्फिडेंस रखें कि मैं गाड़ी सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊँगा। और एकदम हवाई जहाज़ नहीं बनाया जाता है गाड़ी को, आराम से चलाएं, प्रेम से चलाएं, धीरे धीरे कंट्रोलिंग के साथ चलाएं और एक समय ऐसा आएगा कि आप गाड़ी सीख जाएंगे। मैं गाड़ी पर भी एक वीडियो आपको बताऊंगा कि कार कैसे चलाती हैं, कैसे शुरुआत में क्या क्या करना पड़ता है। जो नए लर्नर्स होते हैं, मैं भी नया लर्नर्स रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या समस्याएं आती हैं और मन में क्या चलता है। जब गाड़ी में बैठते हैं तो मन में क्या चलता है, ये क्या समस्या आती है, कहाँ पर क्या 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 दिक्कत है, मैं आपको सब बताऊंगा एक वीडियो बना के, धीरे धीरे एक एक करके सभी बातें बताऊंगा। और दोस्तों करना तो खुद ही पड़ता है, मैं तो केवल आपको बता सकता हूँ, सुना सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। और जब आदमी मैदान में उतरता है तब उसे ही फेस करना है असली सच्चाई। लेकिन हाँ, कुछ हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी कि गाड़ी में, कार में क्या करना पड़ता है, कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या कंट्रोलिंग है, कहाँ पर दिक्कत आ सकती है, इन सब बातों को मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों आपसे मेरा एक अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और इसी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।